देखिए आज की ताजा खबर। सलमान खान की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म ट्यूबलाइट से बैक टू बैक दो पोस्टर रिलीज के बाद एक बार फिर इस फिल्म से एक और पोस्टर रिलीज किया गया है और हम दावे के साथ कह सकते हैं इस नए पोस्टर को देखने के बाद इस फिल्म के टीजर के लिए आपकी बेचैनी और भी बढ़ने वाली है। Well, इस पोस्टर में सलमान बेहद मासूम और भोले लग रहे हैं। इससे पहले हमने उनका दबंग इमेज तो देखा था पर शायद ही किसी फिल्म में सलमान इतने अडोरेबल लगे होंगे। Well, ट्यूबलाइट के लिए ये एंटिसिपेशन इसलिए भी है क्योंकि इस फिल्म से एक्टर डायरेक्टर डुओ सलमान और कबीर खान एक बार फिर वापसी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी ट्यूबलाइट के इस नए पोस्टर के बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। जहां बाहुबली 2 बे इंतहा मैडनेस क्रिएट कर रहा है टिकट काउंटर्स पर, वहां एक और बड़ी फिल्म आने वाली है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलमान खान की ट्यूबलाइट की। कबीर खान की ये फिल्म सलमान खान की इस साल की ईद रिलीज होगी और अब जब बाहुबली 2 का क्रेज बढ़ते ही जा रहा है और उसकी परफॉर्मेंस भी सराहनीय है, ऐसे में लग रहा है कि सलमान ने बाहुबली के लिए एक्साइटमेंट को चुरा लिया। वो कैसे? वेल, सलमान ने एक नई फोटो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है और उसको कैप्शन किया है, कहीं जा नहीं रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, बस 5 दिन में। वेल, इसी के साथ उन्होंने बता भी दिया कि ट्यूबलाइट का टीजर 4 मई को रिलीज होगा और फैंस की एक्साइटमेंट तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है, हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। क्या सलमान खान बिग बॉस के साथ अपना नाता तोड़ रहे हैं? क्या बिग बॉस 11 को होस्ट नहीं करेंगे सलमान? वेल, सलमान खान ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस के सुल्तान हैं, बल्कि सलमान ने बिग बॉस को होस्ट करके पिछले 7 सालों में टीवी जगत में भी अपना मकाम हासिल कर लिया है। पर ये कतई नकारा नहीं जा सकता कि सलमान ने 10 कदम गेम शो के साथ टीवी में कदम रखा था और अब एक बार फिर सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन चाहती है कि सलमान कैसे भी करके 10 कदम के तीसरे सीजन से एक बार फिर वापसी करे। वेल, सलमान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर काफी बिजी हैं और उनके इस बिजी शेड्यूल में एक साथ दोनों टीवी होस्ट करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो क्या इसका मतलब यही है कि सलमान बिग बॉस 11 को होस्ट नहीं करेंगे? वेल, बिन दबंग खान के बिग बॉस का मंच तो जैसे सूना हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है, हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। सलमान खान की फिल्मों के लकी मैस्कॉट हो गए हैं उनसे दूर। अब कैसे बनेगी दबंग 3? पिछले दिन वेटरन एक्टर विनोद खन्ना का देहांत हो गया। विनोद जी एडवांस्ड ब्लैडर कार्सिनोमा से जूझ रहे थे, पर अफसोस वो कैंसर के खिलाफ ये जंग नहीं जीत पाए। अब सलमान खान की दबंग सीरीज के 3rd इंस्टॉलमेंट में उनके पिता का किरदार कौन निभाएगा? आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अरबाज खान ने दबंग 3 बनाने की इच्छा जाहिर की थी, पर विनोद खन्ना के बिना ये असंभव है। सलमान खान के साथ विनोद खन्ना ने वांटेड, दबंग और दबंग 2 जैसी फिल्म में बेहतरीन काम किया है। इन फिल्म्स में इन दोनों ऑन स्क्रीन बाप बेटी की जोड़ी को खूब सराहा गया, पर अफसोस अब ये ऑन स्क्रीन बाप बेटे की जोड़ी किसी और फिल्म में नहीं दिख पाएगी। खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें बताएं और कमेंट करें। द कपिल शर्मा शो के आने वाले एपिसोड होंगे म्यूजिक लवर्स के नाम। जी हाँ, जल्द ही कपिल के शो पर दिखेंगे संगीत के 3 महारथी। आने वाले इस म्यूजिकल नाइट में म्यूजिशियन डुओ सलीम और सुलेमान के साथ संगीत जगत के एक और जाने माने नाम बेनी दयाल भी दिखेंगे।
Well, इससे पहले भी सलीम और सुलेमान कपिल के शो पर आ चुके हैं, पर सोनी पर नहीं बल्कि दूसरे चैनल पर। और इस बार सलीम और सुलेमान के साथ होंगे बेनी दयाल भी। तो अब इन म्यूजिशियंस की तिकड़ी क्या धूम मचाती है, यही देखना होगा। सुनील ग्रोवर और अली असगर के इस शो को अलविदा कहने के बाद से ही इस शो की टीआरपी लड़खड़ाती नजर आ रही है, पर अब शायद इन तीनों संगीत के महारथियों की वजह से शो का चार्म थोड़ा सा ही सही पर वापस आ जाए। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। लेट वेटरन एक्टर विनोद खन्ना अपने समय के सुपरस्टार हुआ करते थे, लेकिन अफसोस उनके अंतिम संस्कार के दौरान कुछ अलग ही कहानी देखने को मिली। हालांकि अमर अकबर एंथनी की तिकड़ी से अमर तो अब नहीं रहे, पर उनके अंतिम संस्कार में अकबर और एंथनी यानी ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन दोनों ही अपने दोस्त विनोद खन्ना को आखिरी श्रद्धांजलि देने जरूर पहुंचे थे। पर वहीं इस इंडस्ट्री के तीनों खान, सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान, इनमें से कोई भी विनोद खन्ना की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुआ। हालांकि सलमान खान ने ट्वीट कर विनोद खन्ना को अपनी श्रद्धांजलि दी थी, लेकिन शाहरुख और आमिर ने ना ही अब तक कोई ट्वीट किया है और ना ही उनका इस विषय पर कोई रिएक्शन आया है। आपको बता दें, फिलहाल SRK अपने नए शो टेड टॉक के लिए वैंकूवर में शूट कर रहे हैं। SRK के पास ट्विटर पर अपने शो की अपडेट ट्वीट करने का समय तो है, पर अफसोस विनोद खन्ना के लिए शोक के चंद शब्द बयान करने का समय नहीं है। अब रही बात आमिर की, तो लगता है आमिर सिर्फ अपनी फिल्मों का प्रमोशन करने ही सोशल मीडिया पर आते हैं। आमिर ने भी विनोद जी की श्रद्धांजलि के लिए ना ही ट्वीट किया और ना ही वो उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अब ये बातें इसलिए उठाना लाजमी है क्योंकि आमिर और शाहरुख को लोग अपना आइडल मानते हैं। अगर इन्हीं का ऐसा रवैया रहेगा तो लोग इनसे क्या सीखेंगे। वेल, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं और कमेंट करें। SS राजा मौली की मच एंटिसिपेटेड मैग्नम ओपस बाहुबली 2 के मॉर्निंग शोज तमिलनाडु में कैंसिल कर दिए गए हैं। सोर्सेस के मुताबिक कुछ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु सर्किट के डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रोडक्शंस को आर्का मीडिया वर्क्स यानी बाहुबली के मेकर्स को 15 करोड़ रुपए देने थे, पर अभी तक वो रकम ना चुकाने की वजह से आर्का मीडिया वर्क्स ने अभी तक तमिल और तेलुगु वर्जन के राइट्स इश्यू नहीं किए हैं। आशा की जा रही है कि दोपहर तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ली जाएगी। आपको बता दें, बाहुबली का हिंदी वर्जन जोर शोर से चल रहा है। दरअसल हिंदी वर्जन की डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स अनिल थाडानी ने ली थी। तो दोस्तों, क्या आप भी इस साल की मच अवेटेड फिल्म बाहुबली 2 का लुत्फ उठा रहे हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। हैंडसम एंड चैरिज्मेटिक वेटरन एक्टर विनोद खन्ना का आज सुबह ही निधन हो गया। विनोद जी एडवांस ब्लैडर कार्सिनोमा से पीड़ित थे। हालांकि उन्हें HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया गया था, पर अफसोस वो कैंसर के खिलाफ ये जंग नहीं जीत पाए। विनोद जी के निधन से उनके फैंस, फिल्म फ्रेटर्निटी और इनके पॉलिटिशियन कलीग्स को गहरा सदमा पहुंचा है। सभी ने विनोद जी के लिए दुख में चंद शब्द कहा और अब PM नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर अपना शोक व्यक्त करते हुए लिखा, विनोद खन्ना को एक पॉपुलर एक्टर, डेडिकेटेड लीडर और एक अच्छे इंसान के तौर पर हम हमेशा याद रखेंगे। उनके निधन की खबर सुन के हमें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। मेरी संवेदना उनके साथ है। हालांकि विनोद जी आज हमारे बीच नहीं रहे, पर उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अगर आप भी विनोद जी के निधन में चंद शब्द व्यक्त करना चाहते हैं तो अपनी विश कमेंट करिए। 70 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाले एंग्री यंग मैन विनोद खन्ना अब हमारे बीच नहीं रहे, पर अभी तक उनकी आखिरी फिल्म सिनेमाघरों में चल रही है। जी हाँ, विनोद खन्ना पिछले कुछ सालों में दीवानापन, दबंग, दबंग 2 और दिलवाले जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं और उन फिल्मों में उनकी बेहतरीन अदाकारी को खूब सराहा भी गया। पर शायद आप ना जानते हो कि एक थी रानी ऐसी भी नाम की एक फिल्म में विनोद खन्ना आखिरी बार दिखाई दिए थे और ये फिल्म अभी तक सिनेमाघरों में चल रही है। हालांकि इस फिल्म में उनके अलावा हेमा मालिनी और एक्टर सचिन खेडकर भी हैं।
खैर विनोद जी तो नहीं रहे, पर उनकी ये यादें हमेशा उन्हें हमारे दिल में जिंदा रखेगी। अगर आप भी विनोद जी के निधन में चंद शब्द व्यक्त करना चाहते हैं तो अपनी विश कमेंट करिए। ऋषि कपूर इस समय गुस्से में तमतमा रहे हैं और उनका गुस्सा जायज भी है। पिछले दिन विनोद खन्ना की अंतिम शव यात्रा में इस समय के कोई भी एक्टर दिखाई नहीं दिए और इस बात पर ऋषि जी ने ट्विटर पर अपना गुस्सा निकाला। ऋषि कपूर हमेशा से ही अपने दिल की बात बोलने में यकीन रखते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऋषि जी ने इस बात पर अपनी राय रखते हुए कहा, ये बेहद शर्मनाक बात है। इस जनरेशन का कोई भी एक्टर विनोद जी की अंतिम यात्रा में नहीं आया, यहाँ तक कि उन सभी के साथ विनोद जी ने काम भी किया था। लोगों रिस्पेक्ट करना इन एक्टर्स को सीखना चाहिए। वही दूसरे ट्वीट में ऋषि जी ने लिखा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कल रात प्रियंका चोपड़ा की पार्टी में इन सभी चमचों से मैं मिला था, पर आज विनोद जी की अंतिम यात्रा में कोई नहीं आया। वेल, कहीं ऋषि कपूर का इशारा सलमान, शाहरुख और संजय दत्त की तरफ तो नहीं था? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें।